नमस्कार सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। अच्छा, जो अब मैं आज जेपी साहब से मिला था, मैंने उनसे पूछा कि जी आपने जो बागड़ी और गादरी पे जो आपने कहा, बहुत सारे लोग नाराज हैं, भाई वो क्यों कहा? तो उन्होंने कहा भाई ये बात आप कुलदीप बिश्नोई जी से पूछें कि किस संदर्भ में और कहाँ कही थी। मैंने की मेरा क्या कही, जो बोलिया उसने वो बतावेगा, लेकिन उसका बदला ऐसी उपयोग शब्द का कि वोट के चोट से आदमपुर हल्के जनता देगी जी। अच्छा, अभी आप कह रहे थे भाषण में अभी 300 करोड़ इतने 1.5-2 साल में हमें मिले हैं और अभी 500 करोड़ आप ले आए, तो पहले क्यों नहीं खट्टर साहब ने दिए? क्या ये भेदभाव की रणनीति? नहीं, भेदभाव अगर होता तो 300 करोड़ नहीं मिलते। अब मैं विपक्ष का विधायक था, सरकार के विधायकों को भी 100 करोड़, 125, 150 करोड़ तक मिलता है, मेरे को विपक्ष में होने के बावजूद भी डबल दिया। और भले खट्टर साहब को मैंने ये बात कही थी कि वोट आपको नहीं देंगे लोग, ये उन्होंने कहा मेरे हरियाणा के लोग तो हैं जी, कोई बात नहीं आप काम करवाई, तो बहुत बड़ी सोच थी। अच्छा, मैं कुछ गाँव में घूम रहा था, कुछ लोग आपके जो नियर अबाउट हैं उनसे थोड़े से नाराज थे। उन्होंने उदाहरण दिया कि जी जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं उनके तो हम लत्ते तो ही खींच लें, हमें बुरा नहीं मानते, बिल्कुल उनके पास रहा है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी के साथ तीन नाम उन्होंने बताए, नाम नहीं मैं लूँगा, लेकिन ये तीन नाम। अच्छा भाई, इनसे लोग नाराज हैं, आपके पास नहीं जाने देंगे, और बहुत ज्यादा नाराजगी है इस बारे में। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे जो आप अगर आप बात कराता हूँ आपकी। हाँ, वो तो है, तो ऐसा आप गलती से आप उन लोगों को मिले जो हमारे नहीं होंगे, वोट नहीं दे रहे होंगे, जो मेरे लोग हैं, मेरा जो वोटर है वो नाराज हो सकता है, खिलाफ नहीं हो सकता, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जिन लोगों के आपने नाम लिए सिक्योरिटी गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम ड्यूटी का होता है कि मैं अभी खड़ा हूँ ना आपके बीच में, लत्ते पाड़ो कुछ पाड़ो जी, और दीपेंद्र के आस पास नहीं आ सकता, मेरे पास लोग आ सकते हैं, बल्कि एक आपका ही वोटर है वो आपसे नाराज है, लेकिन वो ये बोला कि भाई मैं वोट किसी और को नहीं दूंगा, लेकिन आपको भी नहीं दूंगा, भाई मैं किसी और को नहीं जिता सकता, लेकिन आपसे पर्सनली नाराज की। उनका नाम देना, मैं बात करता हूँ कौन है, कुछ बताया था आप थे सब शायद पास में, पूछ लेंगे नाम, कोई करा दूं बात। तो सर देखो, एक दो लोग हुआ करते हैं, यहाँ पे सच्चाई ये है कि मेरे 34 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार का माहौल जो आज मैं देख रहा हूँ, लोग मन से वोट देना चाह रहे हैं, हम वोट मांग भी नहीं रहे, जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिए वो भी फोन करके या मिल के वोट दे रहे हैं, और मैं आपका दावा करता हूँ शाम को खड़े हैं, बहुत बड़ी जीत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, शायद पिताजी वाला 72,000 का रिकॉर्ड भी टूट सकता है, इतनी बड़ी जीत हमारी होने वाली है, लग रहा है जी आपको इससे ज्यादा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। तो भाई पूरी भीड़ में बड़ा मुश्किल से एक छोटा सा इंटरव्यू बाइट मिली है, और जो गादड़ी और बागड़ी वाला जो डायलॉग जेपी साहब ने कहा था उसके ऊपर मैंने एक जवाब लेना था, वो ले भी लिया। भाई देखो अगर इलेक्शन कितना मुश्किल कितना आसान है, फिलहाल भीड़ सही थी, शीश वाला गांव है, यहाँ पर कल मैंने सर्वे करा था भाई, सर्वे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, तो देखो भाई आगे के कुछ रहना है, अभी तो 15 दिन और हैं। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।